जैसा भी रिपोर्ट हो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हो चुका हूं, इसलिए मैं ठीक हूं। ठीक है, मैं ठीक हूं इसलिए मैं काम करूंगा। आपको दर्द हो रहा है लेकिन आप काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है स्मिथ विगल्सवुड, अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो सुने, जाके पढ़े उसके विषय में। विश्वास के बहुत सारे पिताओं में से एक महान नेता स्मिथ विगल्सवुड, अगर आपको जब भी मौका मिलता है प्लीज प्लीज उनके बारे में जरूर पढ़ें। इट विल इंक्रेज यू, इट विल बूस्ट यू, यू नो अप हाई। बहुत बढ़िया किताब है, मुझे नहीं पता हिंदी में उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है कृपया करके पढ़ें, इन बातों में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। कई लोग मेरे घर में आते हैं, एक बार कोई घर में मेरे चेकिंग के लिए आया था, जब आप लोग मुझे बाइक देने वाले थे गिफ्ट में, तो चेकिंग के लिए आए और उन्होंने देखा ये घर, ये तो लाइब्रेरी है। तो मैंने बोला ये हमारा घर है जिसको हमने लाइब्रेरी बना रखा है, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है। ठीक है, तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हमारे पास समस्या ये है कि हम पढ़ते नहीं है ना, ये कहावत है रीडर्स मेक लीडर, ना जो पढ़ने वाला है वो हमेशा अगुआ बनाता है। बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं आपके पास में ज्ञान है जो आप दूसरों के साथ में बांट सकते हैं। ये प्रकाशन ही तो नहीं है हमारे पास में, आखिर जो हम बोलते हैं प्रकाशन, वो प्रकाशन क्या है? ये प्रकाशन है, ये ज्ञान है। याद है जब लाइट का निर्माण नहीं हुआ क्या था, बल्ब का निर्माण नहीं हुआ था, इस एक आदमी को प्रकाशन मिला, नाम पता है आपको? एडिसन को। उसको प्रकाशन मिला और उसको पता चला कि अच्छा ये बल्ब कैसे बनानी चाहिए, उसने निर्माण किया। तो वो क्या था? ज्ञान का प्रकाशन था। ये हमारे अंदर होना जरूरी है, तो आपको पढ़ना जरूरी है, आपके पास में ज्ञान होना जरूरी है ना, और फिर आप उसको सही तरीके से प्रयोग में ला सकते। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा, सही प्रकार का अंगीकार करें, अंगीकार करें आप स्वस्थ हैं, अंगीकार करें कि आपके शरीर में यीशु का लहू बह रहा है, अंगीकार करें कि आपके अंदर उस उद्धार का प्रबंध है जो यीशु ने 2000 साल पहले कराए थे। हर एक अंगीकार करें, अपने मुंह को खोले, तब आप क्या होगा, आप अपने दिमाग में यही सोचेंगे, जब भी बीमारी की अवस्था आपके जीवन में आएगी आप क्या करेंगे, हमेशा परमेश्वर के वचन को बोल सकेंगे। ये बहुत अद्भुत है, बहुत शांति देने वाली, बहुत प्रेरणा देने वाली बातें हैं, जो आपको हमेशा बूस्ट करेगी, आपको हमेशा जीवन देगी। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसको लगातार करें। ठीक है, मैं आपको उत्साहित करूंगा, सही निर्णय लें, सही अंगीकार करें, सही अंगीकार करें। तीसरा शत्रु जो है आपका, आपके विश्वास का तीसरा शत्रु है आपकी समझ कि आशा एक विश्वास है। तीसरा जो आपका शत्रु है वो है आपकी समझ कि आशा शत्रु है, आशा विश्वास है। देखिए, तीसरा जो आपका शत्रु है वो ये, आपके विश्वास का शत्रु जो है तीसरा, वो ये है कि आप समझते हैं, आपकी समझ कि आशा विश्वास है। मतलब दूसरे शब्दों में कि आपका ये समझना कि आशा ही विश्वास है, ये आपका विश्वास का शत्रु है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे अभी हम लोग आराधना के समय में बात कर रहे थे कि मैं काम ना करता हूं, आप आशा करते हैं, आशा विश्वास नहीं होते। ठीक है, आशा कभी भी विश्वास नहीं होगा, याद रखें, विश्वास बिल्कुल अलग है। कई लोग बोलते हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोग सोचते हैं अपने लिए, मतलब उन लोगों के पास में आशा है तो वो सोचते हैं कि ये विश्वास है। नहीं, आशा विश्वास नहीं है। जो मनुष्य की आशा है वो केवल एक खोखला अनुभव है, एक केवल खोखला अनुभव मनुष्य की आशा। लेकिन बाइबिल हमें एक सच्चे आशा के विषय में बताती है। अगर आप बाइबिल पढ़ेंगे तो बाइबिल हमें एक सच्चे आशा के विषय में बताती है, और ये आपको सीखना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 13:13 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि अब
विश्वास, आशा और प्यार, ये तीनों चीज स्थिर है। क्या लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 13:13 में कि अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थिर है, स्थाई है। ये है असल आशा। बाकी जो एक अनुभव की हम बात कर रहे हैं, हम आशा करते हैं, हम आशा करते हैं कि एक दिन हम सही हो जाएंगे, नहीं, हम आशा करते हैं कि एक दिन सब कुछ सही सुधर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये केवल आपके एक खोखला अनुभव है, एक खोखला सोच है आपके जीवन का, जो आप सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आप श्योर नहीं है। देखो मैं क्या बता रहा हूं, आप जिस आशा के विषय में बात करते हैं, आप संसार जिस आशा के विषय में बात करती है, वो क्या कर रही है कि हम आशा करते हैं कि एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। लेकिन जो बाइबिल हमें आशा के विषय में बताती है, पहला कुरिन्थियों 13:13 में, वो आशा कंफर्म है, विश्वास के बहुत नजदीक। जिसे विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, वैसे ही आशा प्रमाण है कि ये बातें होंगी। लेकिन जब हम मनुष्य के रूप में बोलते हैं कि मैं आशा करता हूं, मैं आशा करती हूं कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, तब आपका आशा का मतलब क्या है? कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बाइबल जो पहला कुरिन्थियों 13:13 में हमें आशा के विषय में बताता है, वो बताता है बहुत कंफर्म। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है प्रेम, आशा और विश्वास क्या है? क्या है? अस्थाई है, अस्थाई नहीं, अस्थाई है, मतलब पक्का है, स्थिर है। तो ये आशा आपके आशा से बिल्कुल अलग है, ये बातें आपको समझनी है। आप जब बोलते हैं चर्च में आते समय, मैं आशा करता हूं कि आज सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं है, आपका बोलने का मतलब कि आप कंफर्म नहीं है, मैं आशा करता हूं, मैं कामना करता हूं कि सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं। बाइबिल क्या बताती है? जब आप बाइबिल वाली आशा, कंफर्म आशा है, वो मैं बताता हूं क्यों। उदाहरण के तौर पर, हरेक वो आशीष है जो परमेश्वर ने, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा, हरेक वो आशीष है जो परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए रखी है, आप उन बातों के लिए आशा कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखें, हरेक वो बातें, हरेक वो आशीष है जिसको परमेश्वर ने भविष्य के लिए रखी है आपके लिए, उसके लिए आप आशा रख सकते हैं। जैसे कि स्वर्ग, ये आशीष एक भविष्य के लिए है, लेकिन क्या अस्थाई है? नहीं, ये अस्थाई है, आपको पता है पक्का होगा, लेकिन ये आपकी आशा है कि एक दिन आप स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन क्या जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन ये भविष्य की बात है। ठीक वैसे ही आपका धार्मिकता का मुकुट भी, क्या आपको धार्मिकता का मुकुट मिलेगा? बिल्कुल, हर एक विश्वासी को मिलेगा धार्मिकता का मुकुट, लेकिन क्या आपके पास में अभी नहीं है? तो आप क्या करते हैं? आशा करते हैं उस धार्मिकता के, आशा धार्मिकता के मुकुट पाने की, लेकिन वो भविष्य में है। क्या होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन आप आशा रखते हैं। ये क्या है? कंफर्म है, हुई नहीं है लेकिन कंफर्म है। आप इन बातों के लिए आशा रख सकते हैं, लेकिन आप उन बातों के लिए आशा नहीं रख सकते जो बातें आपके लिए पहले से ही हैं। जिस बात के लिए यीशु मसीह मरा है, उस बातों के लिए आप आशा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो तो है। उन बातों के आप फिर आशा नहीं रख सकते हैं, आप तो उन बातों को क्या करते हैं? यीशु मसीह के नाम से, विश्वास के द्वारा ले लेते हैं। आप उन बातों के लिए आशा नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो आपकी है। तो आपको जानना है कि आशा और विश्वास में बहुत फर्क है। आप भविष्य की बातों को ले लेते हैं आशा के रूप में, जो स्थिर है, लेकिन जो बातें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपके लिए रखी है, उसके लिए आप आशा नहीं करते, वो आपकी है, आप विश्वास के द्वारा उसको लेते हैं। तो आपको याद रखना है, चंगाई और उद्धार, चंगाई, उद्धार, क्षमा, ये सब लोगों के लिए है। आप इन बात के लिए आशा नहीं करते हैं, मैं आशा करता हूं कि एक दिन शायद मैं यीशु मसीह को देख लूं। आप विश्वासी हैं क्या? आप लोग विश्वासी हैं तो आप जरूर देखेंगे यीशु मसीह को।
ठीक है, इसमें शायद की बात नहीं, ये आशा है लेकिन ये पक्की आशा है, इसलिए बोलते हैं कि ये आशा जो है स्थाई है, स्थाई है, अस्थाई नहीं, अस्थाई है, पक्का है। लेकिन जो हम लोग संसार में बोल रहे हैं आशा 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 कामना काम, वो क्या, वो तो पक्की भी नहीं है। हम लोग ये सेंटेंस यूज करते नहीं है, करते हैं ना, मैं आशा करता हूं कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन क्या आपको विश्वास है? नहीं है। फिर लेकिन बाइबल उस आशा के विषय में बात नहीं कर रहा है, बाइबल बताती है कि जो आशा है वो हमारा विश्वास है, विश्वास आशा ये सब एक साथ में चलती है। आशा है कि हम एक दिन रहेंगे यीशु मसीह के साथ में और हम देखेंगे, सोने की जो सड़क है वो आशा है, लेकिन क्या पक्की है? बिल्कुल पक्की है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर जाएंगे और आपको पूरा घास फूस देखने मिलेगा और आप बोलेंगे अरे बाइबल में तो हमने पढ़ा था कि हमको सोने की सड़क देखने मिलेंगे, यहाँ पे तो घास फूस है। नहीं 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 नहीं, पक्की है, हम आशा करते हैं एक दिन हम सोने की सड़क पे चलेंगे जब हम ऊपर रहेंगे, ये आशा पक्की है। हम और आप इस बात के लिए आशा कर सकते हैं, लेकिन चंगाई के लिए आशा करने की जरूरत नहीं है, चंगाई आपकी है। यीशु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। पहला पत्र दूसरा अध्याय 24वां पद में लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। इस बात के लिए आशा नहीं करेंगे जो उसने आपको दे दिया, उस बात के लिए आशा नहीं करेंगे, जो बातें वो देने वाला है आप उस बात के लिए आशा करेंगे। तो आप कभी भी जब आशा शब्द को सुनते हैं इसमें कंफ्यूज नहीं हो, इसमें किसी और चीज को नहीं थोपे, आप हमेशा याद रखें जो आशा है वो कभी भी विश्वास नहीं है। आपको उन बातों के लिए आशा करने की जरूरत नहीं है जो यीशु मसीह ने आपके लिए प्रबंध कराई है, आप तो भविष्य के बातों के लिए आशा रखते हैं जो एक दिन हमारे साथ होने वाली है। सो जैसे कि यीशु मसीह का आना यह भविष्य में है, यह एक आशा है, स्वर्ग में हमारा भवन होना यह एक आशा है, लेकिन यह भविष्य में है। धार्मिकता का मुकुट प्राप्त करना यह एक आशा है, क्योंकि यह भविष्य में है। आप वर्तमान के चीजों को जो पहले से आपके पास में है उसके लिए आप आशा नहीं रखते हैं। हालेलुया। आपका चौथा शत्रु, आपके विश्वास का चौथा शत्रु है, आपके विश्वास का चौथा शत्रु है कि आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे विश्वास दे दो। आपके विश्वास का चौथा शत्रु है कि आप प्रार्थना करते हैं कि विश्वास दे दो। हम में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु मुझे विश्वास से भर दो, मेरे विश्वास का इलाज करो, लेकिन वो भूल जाते हैं एक बात, पता है क्या, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे विश्वास दे दो, मुझे विश्वास दे दो, विश्वास, मेरे विश्वास का इलाज कर दो, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं, पता है क्या, पढ़ो हम लोग एक साथ पढ़ेंगे रोमी की पत्री अध्याय 10:17, हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, रोमी की पत्री अध्याय 10:17, एक साथ 1 2 3 गो। बात खत्म, हम विश्वास, ओ प्रभु विश्वास से भर दो, नहीं, ये परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर के क्या बताता है, सो विश्वास, परमेश्वर का वचन बताता है, सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से प्राप्त होता है, आपके प्रार्थना करने से नहीं, अपने आप को पूरा दया और बेचारा दिखाने से नहीं। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे विश्वास को बढ़ा दे, आपका विश्वास तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप परमेश्वर के वचन पर काम करना शुरू नहीं करेंगे। तो इसलिए याकूब बोलता है केवल सुनने वाले नहीं परंतु करने वाले भी बनो, करने वाले बनो, एक दूसरे को बोलो सुनने वाले नहीं करने वाले भी बनो। हाँ, कई लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग जो हैं यीशु मसीह के इस वचन को नकारते हैं, और वो वचन है कि उसने कहा कि तुम सब विश्वासी हो, तुम सब विश्वासी हो, उसने कहा, वचन में लिखा हुआ है कि जितने लोग विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह होंगे, उसने कहा है आप सबको विश्वासी कहा है, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप विश्वासी हुए।
तो अगर आप विश्वासी हैं तो फिर आप ये कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे विश्वास का इलाज करो? आप या नहीं तो विश्वासी है या नहीं तो अविश्वासी है। मेरे पास में ये प्रश्न हमेशा होता था यार, हम लोग बोलते हैं कि विश्वासी विश्वासी, हम बल्कि ऐसे बोलते हैं, हमारा तो एक टाइटल है जैसे, है ना, क्रिश्चियन लोग का टाइटल, क्या वो विश्वासी है? मतलब दूसरे शब्दों में बोलने का मतलब, क्या वो ईसाई है? तो भाई इतना अच्छा नाम इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं, आप बोलो क्या वो ईसाई है बजाय इसके बोलने के क्या वो विश्वासी है, क्योंकि ईसाई का विश्वासी से कोई नाता नहीं है, ईसाई धर्म है, विश्वासी विश्वासी है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके काम करता है। तो जब आप बोलते हैं क्या वो भाई विश्वासी है, इसका मतलब वो भाई परमेश्वर के हर एक वचन पर चलता है। तो अगर आप अपने आप को विश्वासी बोलते हैं तो फिर आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु मुझे विश्वास दो? आप या तो विश्वासी हैं और या तो अविश्वासी हैं, बीच में नहीं रह सकते हैं आप, ठीक है, आप कभी भी बीच में नहीं रह सकते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 में कहा है कि जो लोग विश्वास करेगा आनंद जीवन उसका होगा, अर्थात जो लोग विश्वास करेगा आनंद जीवन उसको मिलेगा, उद्धार उनको मिलेगा। अगर आपने उद्धार प्राप्त किया है तो, कितने लोगों ने यहां पे उद्धार प्राप्त किया है, और जो लोग मुझे देख रहे होंगे उन लोगों ने भी उद्धार प्राप्त किया है। अगर आपने उद्धार प्राप्त किया है इसका मतलब आप क्या है, आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, और अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं तो आपके अंदर यीशु मसीह का विश्वास का घटी कमी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर पहले से ही विश्वास है। मैं आपको बता रहा हूं आप कहां पे कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं कार्य करने पर, क्यों? याकूब 2:20 में लिखा हुआ है कि क्रिया के बिना विश्वास आपका मरा हुआ है। आप बस केवल वहीं पे कंफ्यूज होते हैं, आपके अंदर विश्वास की कमी नहीं है, आपने विश्वास किया तभी तो यीशु मसीह को ग्रहण किया। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज वो भी, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपने उद्धार पाया, और अगर आप विश्वास करते हैं कि आपने उद्धार पाया है तो आप विश्वासी हैं, आपको विश्वास के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से विश्वास करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं आप लोग धन्य लोग हैं, यीशु मसीह ने थोमा को कहा तुमने देखकर विश्वास किया है, धन्य वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, समझे? आप में से कोई लोग भी, किसी लोगों ने भी यीशु मसीह को नहीं देखा है तब भी आप विश्वास करते हैं, अद्भुत है, तब भी आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने आपको धन्य बोला है, और आप उस वचन को छोड़कर ओ प्रभु मुझे विश्वास से भर दो मुझे विश्वास। अरे पहली बात, यीशु मसीह ने आपको, थोमा जो उसके साथ में था, उसके साथ में चला, उसके साथ में खाया, यीशु मसीह ने उसके पांव धोए, यीशु मसीह थोमा से भी ऊपर स्तर आपको देता, बोलता कि तुम धन्य हो, कहो मेरे साथ में मैं धन्य हूं क्योंकि मैंने यीशु को बिना देखे विश्वास किया है। आपने बिना देखे विश्वास किया तो आप धन्य हैं, आपके पास में विश्वास की कमी नहीं है, आप केवल यहीं पे चकमा खा जाते हैं, आपको लगता है आपके पास में विश्वास नहीं है, नहीं आपके पास में विश्वास है, आप केवल एक काम नहीं करते, आप काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको वचन पढ़कर काम करने की जरूरत है, जैसे आप ये करते हैं आप अपने जीवन में चंगाई देखने लगते हैं। सो आपको जरूरी है अपने जीवन में चंगाई अगर बनाना है तो ये बातें, ये स्टेप जरूरी है। अपने विश्वास के जितने भी शत्रु हैं, हमने अभी शायद 4 शत्रु देखे, इनको मारना है। अगर आज आप कुछ बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, इस संदेश को वापस सुनने की कोशिश करें, वापस सुने इसको, बार बार सुने, जब तक कि ये आपके अंदर नहीं बस जाता है, जब तक कि आप सपने में भी, आप जब आपसे कोई पूछे जब आप इन बातों को उत्तर नहीं दे पा रहे, तब तक आप ये करें, तब तक ये करें आप, और तब देखें आपके जीवन में कितनी चंगाई, कितना सेहत रहेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तो इसीलिए आया तुमको भरपूरी का जीवन दो। दूसरी बात, हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, जो हम सीखने वाले थे, क्या करें क्या नहीं करें, कहें क्या करें क्या नहीं करें, हाँ फिर से एक दूसरे को देखकर कहें, करें क्या नहीं करें, हाँ करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ये हमको सीखना है, हमको यही नहीं पता होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात है, विश्वास करने की कोशिश नहीं करें, पहला पॉइंट लिखना है आपको, विश्वास करने की कोशिश नहीं करें, काम करें, क्योंकि आप पहले से विश्वासी हैं, तो आप विश्वास करने की कोशिश नहीं करें, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं
कमान है ना, आप विश्वासी है, क्या मैं विश्वासी हूं? हाँ मैं विश्वासी हूं। हाँ आप विश्वासी हैं, आपको खाली क्या करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है और काम करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जाओ सुसमाचार प्रचार करो। अब आपको इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मैं विश्वास करता हूं, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। नहीं, आपको क्या करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए और बोलना चाहिए, सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा है, ये बोलना चाहिए। भैया आप तो, आप क्या बात कर रहे हैं पास्टर जी, आप मुझे ऐसे कौन बात कर सकते हैं, उसी को बोलते विश्वासी। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह एक दिन आने वाला, और इतना ज्यादा विश्वास करते हैं आप बाहर लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे, मेरा मेरी मानो आप, आपका घरे में खड़े हैं और पूछेगा आपसे, बेटा तुमने पड़ोसी को बताया या नहीं बताया। और जरा सोचो, अगर मैं कभी कभी ये सोचता हूं, जरा सोचो अगर आपका पड़ोसी आपके पास में खड़ा है ऊपर स्वर्ग के पास में, स्वर्ग के गेट के बाहर, और उसको घसीट के ले जा रहे हैं नरक में, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं अरे मुझे कोई बताया नहीं, और ये परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारे बगल में रखा तो था, तुमने पूछा ही नहीं, और वो बार बार बोल रहा है अरे मुझे इसने बताया नहीं, मुझे इसने बताया नहीं, अगर ये बता देता तो मैं बच जाता। सोचो आपको कैसा लगेगा, सोचो, ये सब सोचने का विषय है, हम कभी सोचते नहीं, इसलिए बताना तो आपका काम है, ताकि अगर ऊपर चिल्लाए भी तो अगर आप उसको डेट दिखा के बता सके, इस दिन मैंने बताया नहीं था, कैरल सिंगिंग में मटन बुला के, मटन बना के सबको बुलाया था, तुमने भी तो खाया था, और उस दिन मटन ही नहीं खाया था, उस दिन तुमने परमेश्वर का वचन भी सुना था, तब उसको अच्छा मुझे याद आ गया, अब याद क्या फायदा, आपका रास्ता दूसरा, मेरा रास्ता दूसरा, लेकिन कम से कम आपके पास बोलने का ये गट्स होना चाहिए, मैंने बताया था ये, मुझे मैंने बताया था। जब आप खड़ा हो सिंहासन के आगे तो आप बोल सके, देखा मैं तो चला, तुम कहां जाओगे, पिछले 35 साल से तुमको उस पृथ्वी पे मैं बोलता रहा अरे यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह को ग्रहण करो, तुमने नहीं सुना, अब बाय बाय हमेशा हमेशा के लिए। कम से कम आपके पास में ये गट्स होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात क्या है, क्या करें क्या नहीं करें, मैं पहली बात क्या है कि विश्वास करने की कोशिश नहीं करें, परमेश्वर के वचन पर काम करें, ठीक है। दूसरी बात है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में या विरोध में घोषणा नहीं करें, अंगीकार नहीं करें, परमेश्वर के वचन के विरोध में अंगीकार नहीं करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन रात उसके वचन पे मनन